Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new market analysis video. So dosto, aaj ka date hai 22nd of May, Wednesday and current time is 7:12 PM. So aaj ka market dosto kaafi zyada choppy raha hai एंड चॉपी मार्केट को सर्टेन पॉइंट्स के बेस पर आज के दिन आइडेंटिफाई किया गया. सो टेलीग्राम में भी मैंने मेंशन किया गया कि आज का मार्केट चॉपी है, देयरफॉर कोई भी ओवरव्यू या ट्रेड मैं एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ. एंड अगर आज के दिन ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया होता, कन्फर्मेशन बेस्ड एंट्री अगर लिया गया होता, तो 100% तो नहीं बट बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक स्टॉप लॉस आज के दिन होने वाला था. सो कई सारे लोगों ने जिन्होंने आज के दिन ट्रेड अगर कन्फर्मेशन पर एग्जीक्यूट किया है तो मार्केट देखेंगे काफ़ी अनसर्टेन एंड चौपी रहा है, तो स्टॉप लॉस ही हुआ होगा. सो आज के इस वीडियो में हम सर्टेन पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह के ट्रेडिंग सेशंस मॉर्निंग सेशन से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये एक पोटेंशियल चौपी मार्केट हो सकता है. सो चार्ट्स के थ्रू अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आज के दिन सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ एक सेलिंग स्विंग का क्रिएशन हम देख सकते हैं. सो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हम मार्केट को सेटल होने का वेट करते हैं. जैसे अभी मैं कई दिनों से कंफर्मेशन एंट्री एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मार्केट को सेटल होने दिया जाता है. तो मॉर्निंग रेजिस्टेंस देखेंगे मार्केट क्रिएट किया एंड मॉर्निंग सपोर्ट क्रिएट किया. आफ्टर सपोर्ट आज के दिन जो स्ट्रेंथ एनालिसिस अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथ एनालिसिस क्या होता है कि सेलिंग स्विंग के बाद अगर मार्केट नीचे के लेवल ही होल्ड करता तो मार्केट में वीकनेस कंसीडर किया जाता. बट आज के दिन गिरने के बाद क्या हुआ है, सडन बाउंस बैक ऑन टू द बाइंग साइड. तो स्ट्रेंथ के साथ मार्केट रिकवर किया, तो इस बेस पर आज के दिन क्या कहा जाएगा कि मार्केट हायर लेवल को सस्टेन कर रहा है. तो थोड़ा और वेट करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन क्लियरली से कि मार्केट में स्ट्रेंथ एंड हायर लेवल को होल्ड कर रहा है. तो इसके बाद आज के दिन क्या देखने को मिला कि आई वॉज प्लानिंग द एंट्री, अगर मार्केट हायर लेवल को क्रॉस करेगा, अगर हायर लेवल को क्रॉस करता है, ब्रेकआउट आता है सक्सेसफुली अबव द इंट्राडे हाई, अगर सस्टेन करेगा तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा. क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट कंडीशन देखेंगे तो वन डे बिफोर कंटिन्यूस एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला, बट सेकेंड हाफ में नेगेटिविटी या मेजर सेल ऑफ भी आया है. अगर सेलिंग देखेंगे तो सिग्निफिकेंट सेलिंग सेकेंड हाफ में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला. इसलिए आज के दिन कन्फर्मेशन एंट्री क्यों ज़्यादा वेट किया गया, क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ पर मेजर सेलिंग आया है. अदरवाइज कन्फर्मेशन देखेंगे तो हायर लोज बन चुका है, मार्केट हायर लेवल्स पर आ गया है, तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर भी ट्रेड ले लेना चाहिए था, बट मेजर सेलिंग हुआ इसलिए और आज के दिन प्रीवियस डे का हाई के नीचे ही ट्रेड हो रहा है. इसलिए वेट किया गया कि इंट्राडे हाई अगर सस्टेन करेगा क्रॉस होने के बाद तो फिर प्रोबेबिलिटी आज के दिन भी कंटिन्यूशन होने वाला है. तो इसलिए वेट किया गया, बट वेट करने पर आज के दिन क्या ऑब्जर्व हुआ कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है एंड चॉपी मार्केट्स का जो साइंस होता है वो देखने को आज के मार्केट्स में मिला. तो सबसे पहला साइन क्या होता है कि अगर मार्केट देखिए नीचे गिरे एंड कंटिन्यूस उसका वी शेप रिवर्सल हो एंड मल्टीपल टाइम अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स अ चॉपी मार्केट. ये सिंपल सा आइडेंटिफाई करने का साइन होता है. जैसे सबसे पहला जो सेलिंग आया ये आज के दिन क्या हुआ, कंटिन्यूसली रिवर्स हो गया. कंटिन्यूस अगर वी शेप देखेंगे तो मार्केट क्रिएट किया, इसके बाद क्या हुआ कि हाई लेवल पर आया तो फिर सस्टेन नहीं किया, फिर से ये सेलिंग साइड चला गया. अब सेलिंग साइड के बाद क्या हुआ, अगेन वी शेप में रिकवरी हुआ, क्या शार्प रिकवरी हुआ, अगेन हाई लेवल पर आ गया. इसके बाद देखने को क्या मिला कि अगेन ये जो रेड कैंडल आप देखोगे कि अगेन मेजर सेल ऑफ किया गया, काफी ज्यादा क्वांटिटी डंप किया गया, तो एक बड़ा कैंडल जस्ट आफ्टर द रिकवरी या शार्प रिकवरी अगेन सेलिंग साइड का क्रिएट हुआ. तो ये साइंस होते हैं कि मार्केट हाई लेवल जाए फिर लोअर लेवल आ जाए, फिर हायर लेवल जाए फिर लोअर लेवल आ जाए. तो ये साइंस होते हैं कि आज का मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है, अनसर्टेनिटी है, मार्केट चॉपी होने वाला है, या एंट्री ले लेंगे तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा और एसएल चला जाएगा. एज अ ट्रेडर किस तरह का मार्केट सूटेबल होता है कि छोटा एसएल है तो मार्केट जो सपोर्ट क्रिएट कर दे या जो लेवल पर आ जाए टेस्टिंग हो जाए वो सस्टेन करना चाहिए. अगर बार बार रिवर्सल हो रहा है तो हम एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस चला जाएगा. तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर बेस्ट साइन होता है टू आइडेंटिफाई दी चॉपी मार्केट. अब जैसे यहां पर देखिएगा अगेन रिवर्सल हुआ, इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद आप देखोगे कंटिन्यूस सेम कैंडल में ही रिवर्स हुआ और नेक्स्ट कैंडल भी देखेंगे अगेन सेम हाइस तक पुश किया है. तो वही वी शेप आप देख सकते हो मॉर्निंग से जो बन रहा है
मार्केट में वही सेम वोलेटिलिटी या कंडीशंस कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद अगेन देखेंगे तो मार्केट फिर हायर लेवल को सस्टेन किया एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर बिहेवियर जो आज के दिन मार्केट का रहा वी शेप का अगेन एंड अगेन रिवर्सल, इसलिए आज के दिन मैंने और कंफर्मेशन के लिए वेट किया है कि अगर इंट्राडे हाई क्रॉस करेगा, न्यू हाईस की तरफ जाएगा सक्सेसफुली, एक स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिखेगा तो फिर ही मैं बाइंग करने वाला हूँ, अदरवाइज नहीं करने वाला हूँ। तो आज के दिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि वी शेप रिकवरी हो रहा है, चॉपी मार्केट है, तो अगेन वही सेम चीज मार्केट ने रिपीट किया, हायर लेवल्स को होल्ड करते हुए इंट्राडे हाई की तरफ गया और शार्प रिकवरी हुआ है। आप बाइंग साइड का मोमेंटम देखोगे शार्प है, बट अगेन क्या सेम सिग्निफिकेंट शार्पनेस के साथ मार्केट फिर से रिवर्स हो गया क्या? द आंसर इज येस। तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट वॉज वेरी कन्फर्म्ड कि आज का मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है, इट्स अ चॉपी मार्केट। इसके बाद हायर लेवल मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन किया एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आई वॉज वेटिंग कि आफ्टर दिस बिहेवियर अगर मार्केट सेलिंग साइड का अगर जैसे नीचे गिरा है तो अल्टीमेटली एक लास्ट चांस कि अगर लोअर लेवल सस्टेन करेगा तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। बट आज के दिन क्या हुआ, मार्केट लोअर लेवल्स पर नहीं गया, हायर लेवल प्रोसीड करने लगा, तो टेलीग्राम पर अपडेट किया गया कि इट्स अ चॉपी मार्केट, नो ओवरव्यू फॉर टुडे। सो 11:40 के ही आसपास अपडेट किया गया था, दिस इज 11:40 कैंडल। टेलीग्राम चैनल देखेंगे आज का एक ही पोस्ट किया गया है, टाइमिंग देखेंगे 11:41 AM कि इट्स अ चॉपी मार्केट टुडे, नो ओवरव्यू। तो आज के दिन कोई भी ओवरव्यू नहीं था, कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया एंड चॉपी मार्केट मॉर्निंग में ही मेंशन कर दिया गया। तो इसके बाद देखेंगे तो इट्स बीन द सेम मार्केट कंडीशन, देखेंगे सेम रहा है एंड जो चॉपी बिहेवियर मॉर्निंग में दिखाया है वही कंटिन्यू हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे अगेन इंट्राडे हाई के पास आया, क्या सस्टेन किया क्या नहीं किया। इसके बाद आप देखोगे अगेन यहाँ पर ऊपर जाने पर सेम हाइस पर अगर अगेन कन्फर्मेटरी एंट्री किसी ने लिया है तो एंट्री के बाद क्या हुआ है, मार्केट अगेन देखेंगे सडन रिवर्सल है। जो स्ट्रेंथ का कन्फर्मेशन है, अगर स्ट्रेंथ के कन्फर्मेशन का एग्रेसिव बाइंग का अगर एग्रेसिव सेलिंग से रिवर्सल अगर बार बार हो रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ द चॉपी मार्केट। मैं ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा है, एग्रेसिव बाइंग हो, एग्रेसिव बाइंग क्या साइन होता है कि मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि एक काफी बड़ा कैंडल क्रिएट हो रहा है। तो डिमांड था, अचानक से क्या हो गया कि सेलिंग साइड का सप्लाई आने लगा, वो भी एग्रेसिवली आने लगा, तो ये कंडीशंस पंप एंड डंप एंड ये अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं। तो अगेन आप देखोगे क्या हुआ, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ की कैंडल बनी, मार्केट नॉर्मल एवरेज साइज से बड़ा कैंडल बनाया, जस्ट अगले कैंडल में क्या किया, मार्केट सेल ऑफ। इसके बाद भी आप देखोगे सपोर्ट बनने पर जिसने अगेन बाय किया, अगेन एक ह्यूज एग्रेसिव सेलिंग बिहेवियर देखेंगे, बड़ा साइज का कैंडल क्रिएट हुआ एंड अगेन सपोर्ट के बाद क्या हुआ, सेम चीज एग्रेसिव सेलिंग रिवर्स बाय एग्रेसिव बाइंग। तो ये अनसर्टेन कंडीशन है, यहाँ एंट्री लोगे तो एसएल हो जाएगा, फिर यहाँ बाय करोगे तो एसएल हो जाएगा, नीचे आने पर सेल करोगे तो एसएल हो जाएगा। तो दिस इज अ चॉपी मार्केट एंड अनसुटेबल मार्केट टू एग्जीक्यूट। तो ये बिहेवियर हमने आज के दिन इस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे चॉपी मार्केट आइडेंटिफाई करना एंड हाउ आई हैव अवॉइडेड टुडेज ट्रेड इन टू द मार्केट। तो इसके बाद देखिएगा आप जो कल का कंडीशन है कि चॉपी मार्केट के बाद कंक्लूजन जो देखेंगे तो मार्केट प्रीवियस डे का हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो पॉजिटिव ओवरऑल सेंटिमेंट अगर निकालेंगे तो मार्केट हैज बीन पॉजिटिव एंड ऑन टू द बाइंग साइड एंड प्रीवियस डे से रिकवरी देखेंगे तो कंटिन्यूस रिकवरी है। तो अगला ट्रेडिंग सेशन एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कंटिन्यूशन का थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी है। बट जिस भी चीज का कंफर्मेशन आएगा नेक्स्ट मार्केट सेशन में उसके अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मार्केट हायर लेवल्स पर जाता है तो इंट्राडे जो हाई लगाएगा दैट विल बी द डे ऑफ द हाई इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, कि जो भी इंट्राडे हाई मॉर्निंग सेशन में लगेगा वही हाई पूरे दिन तक कंटिन्यू होगा या डे का हाईएस्ट ट्रेडिंग पॉइंट होगा, इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हायर लेवल गया, इंट्राडे हाई लगाया, वीकनेस आने लगा तो फिर सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड अगर लेकिन मार्केट गैप डाउन हो जाता है या मॉर्निंग में नीचे लोअर लेवल्स पर चला जाता है तो जो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है वो आ चुका है ऐसा कंसीडर किया जाएगा
एंड इसी बेस पर फिर लोअर लेवल पर अगर सपोर्ट बनने के बाद प्रॉपर कंफर्म्ड एंट्री हायर लेवल्स पर रिवर्सल मिलेगा, सस्टेन करेगा, तभी बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो वेट करेंगे, देखेंगे कल का मार्केट कैसा बिहेव करता है। बट जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैंने मेंशन किया कि अगर हायर लेवल जाएगा तो जो मेरा मोस्ट प्रेफरेबल एग्जीक्यूशन है दैट विल बी ऑन टू द सेल साइड, इट विल बी अ सेल ऑन राइज डे। सो दिस वॉज द एनालिसिस वीडियो फॉर टुडे। एज अ रेगुलर प्रोसेस, अब कल के दिन जो भी मार्केट कंडीशन क्रिएट करेगा, ओवरव्यू लाइव मार्केट में क्रिएट होगा, तो एज अ रेगुलर प्रोसेस उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा, कन्फर्मेशन को शेयर किया जाएगा। सो रेगुलर लाइव मार्केट ओवरव्यू अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।